करनाल में आज जहां विभिन्न संगठनों द्वारा गांधी व शास्त्री जयंती मनाई गई, वहीं करनाल में आज शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान कृषि बिलों के विरोध में महात्मा गांधी चौक पर धरना दिया गया। धरने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। कांग्रेस के धरने में पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा सरकार पर हावी होते हुए नजर आए। उन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि अनिल विज का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, सरकार उनका इलाज नहीं करवा रही, इसलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। अनिल विज के उस बयान पर जवाब दिया है जिसमें अनिल विज ने कहा था कि हम राहुल गांधी को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देंगे। कुलदीप शर्मा ने कहा कि अगर अनिल विज या उनकी पार्टी में हिम्मत है तो राहुल गांधी को रोक कर दिखाए। अगर अनिल विज गोलियां चलाकर लाठियां बरसाकर किसानों की आवाज दबाने का काम करेंगे तो वो लोकतंत्र के हत्यारे होंगे। बहरहाल बीजेपी के लिए कृषि कानूनों को लेकर मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब देखना यह होगा कि कुलदीप शर्मा की तरफ से किए गए हमलों पर सत्ता पार्टी क्या जवाब देती है। हमने इस दिन को इसलिए चुना कि तीन अध्यादेश जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी के नेतृत्व की सरकार देश में लेकर आई, ये तीनों अध्यादेश किसान विरोधी हैं, किसान की कमर तोड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं मंडियों में, चाहे वो किसान, चाहे वो आढ़ती है, चाहे वो मजदूर है, किसी न किसी रूप में सरकार के खिलाफ आंदोलन के रास्ते पर। क्या कारण है? कारण एक ही है, कानून तो ले आए लेकिन MSP का प्रोविजन उसमें सुनिश्चित नहीं किया। अगर MSP पर प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट परचेजर फसल को नहीं खरीदेगा तो सरकार ने कोई ऐसा प्रोविजन नहीं किया कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की। फिर सरकार कहती है कोई किसान कहीं भी बेच सकता है। आज उत्तर प्रदेश का धान हरियाणा में नहीं आने दिया जा रहा, राजस्थान का मक्का और बाजरा हरियाणा में नहीं आने दिया जा रहा। तो जो सरकार कह रही है उसका विरोधाभास साफ दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार झूठ के सहारे नहीं चलेगी। हमने आंदोलन का सहारा लिया, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने गरीबों की, किसानों की, जवानों की लड़ाई लड़ी, इस दिवस को चुना गया। तो नरेंद्र मोदी का पुतला इसलिए फूंका गया कि इन तीनों अध्यादेशों के लेखक, प्रायोजक, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर नरेंद्र मोदी हैं। दूसरी बात, हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा है कि अगर राहुल गांधी हरियाणा में आएंगे तो हम उनको आने नहीं देंगे। देखिए, गृह मंत्री जो हैं अनिल विज, उनका काफ़ी समय से मानसिक संतुलन खराब है और इलाज सरकार इनका करा नहीं रही, इसलिए अनाप शनाप बातें ये कह रहे हैं। अगर हिम्मत है अनिल विज में या उनकी पार्टी में तो राहुल गांधी को रोक कर देखा। पुलिस का सहारा लेकर, लाठियां बरसाकर, गोलियां चलाकर अगर किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए अनिल विज ये काम करेंगे तो अनिल विज लोकतंत्र के हत्यारे और किसानों के विरोधी के रूप में। यूपी में भी धक्का मुक्की की गई जाने में, यूपी की सरकार भयभीत थी, डर गई थी कि सच्चाई भी उजागर हो जाएगी और राहुल जी जाएंगे तो आंदोलन खड़ा हो जाएगा, इसलिए उनको जाने से रोका। और इसी नियत से कि हरियाणा में जो किसान पहले ही आंदोलन की राह पर हैं वो आंदोलन और भड़क ना जाए, राहुल गांधी का उसको नेतृत्व प्राप्त ना हो जाए, ये सरकार भयभीत होकर इस रास्ते पर। जो तीन अध्यादेश का बिल किसान विरोधी पास हुआ है, ये काला कानून है, उसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हर ब्लॉक सत्र पर प्रदर्शन किया गया। करनाल में भी यह प्रदर्शन आपके सामने हुआ है और अब जो काला कानून है इसका डट कर विरोध किया जाएगा। अध्यादेश के खिलाफ हर जगह पर, हर सत्र पर इसका विरोध किया जाएगा। हम किसानों के साथ हैं। हाथरस की बेटी के साथ जो कांड हुआ एक कानूनी हरकत है, इसकी हम निंदा करते हैं। राहुल गांधी जब यूपी जा रहे थे उनके ऊपर का लाठीचार्ज उनका जाती हुई, उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। अभी जब पुतला जलाया है हमने नरेंद्र मोदी जी का, इन तीन मुद्दों पर चलाया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।